মা মাটিৰ নাৰা দেই দুই হাজাৰ এঘাৰৰে টি এম চি চৰকাৰ গঢ়িছিল তাৰপিছত দুই হাজাৰ একৈশ নিৰ্বাচন আছিল দীৰ্ঘ দশ বৰ্ষেৰে মই কেতিয়া সুৰক্ষিত অতি মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মহিলা কোন যোজনা কৰি খগপুৰ অঞ্চলৰ এক সংগঠন ৰঙঠন ৰঞ্জীৱনী মহিলা সংগঠন যোন ৰ আমি ভেটি থু তাৰপিছত তাত আমি প্ৰতক্ৰিয়া নেবাই চাহ जो महिला कितने सुरक्षित चंती पश्चिम बंगाल दीदी सरकार में जी क्या बोलने चाहेंगे जो पश्चिम बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है मैं दस नंबर वार्ड की संजीवनी सेवा संगठन की मैं प्रेसिडेंट हूँ मेरा नाम बेबी कोले है आज हम जो अत्याचार देख रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं लड़कियों को टान टन के जंगल में ले जाया जाता है घसीट के उनका रेप कर दिया जाता है मुख्यमंत्री की प्रशासन कान में रुई डाल के सो रहे हैं तो आज हम घर से महिलाएं निकल के एक संगठन बनाए हैं कि महिलाओं को किस तरह से हम लोग सुरक्षा दे सकेंगे लड़कियों को किस तरह से सुरक्षा देंगे ये हमारा संगठन इसके काम कर रहे हैं जैसे हमारी संजीवनी सेवा संगठन है आज हमने हमारा यहाँ पे आई चेकअप कैंप रखे हैं इसमें बहुत सारे महिलाएं बहुत सारे हैंडीकैप्ड हैंडीकैप्ड भी आए हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए फ्री में हम लोग आई चेकअप करवा रहे हैं फ्री में सर्जरी करवाएँगे और महिलाओं को जो सुरक्षा देना है हम हर घर घर तक संवाद पहुँचा रहे हैं कि अगर चौबीस घंटा हमारा ये मोबाइल में नंबर दिया हुआ है हमारा जो मोबाइल नंबर है एट डबल इस नंबर में आपको किसी भी तरह का कोई भी महिलाएं कोई भी लड़कियां अगर विपद में पड़ती हैं तो आप 24 घंटा में किसी भी समय फोन करिए हमारी टीम आपके साथ रेडी है सब समय उनकी सुरक्षा जो जो भी 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 दोषी दोषी है है उसके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आ रही कुछ कार्रवाई नहीं है ये जो ये जो भी दोषी है ये इनके ही एंटी सोशल के लड़के लोग हैं अच्छा ये हमारे इनके ही टीएमसी के ही एंटी सोशल के लड़के लोग हैं जो इतने अत्याचार कर रहे हैं आज पकड़ के ले जाते हैं चार दिन बाद उनका बेल हो जाता है छोड़ दिया जाता है तो इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो हम एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि परिवर्तन करके जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें लड़कियां सुरक्षित रहें हमारे पुरुष सुरक्षित रहें सिर्फ़ महिलाएं ही नहीं पुरुष लड़कों को भी घर से टान टान के लेके जाके मर्डर कर दिया जाता है ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो उनके का काम नहीं करने से उनको घर से ले जाके बहला के फुसला के उनको गला में रस्सी फांसी लगा के जुला दिया जाता है बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं जो हमारे पार पड़ोसी में रहते हैं उनके साथ भी ये सब अत्याचार हुआ है तो हमारी जो महिला संगठन है बहुत ज़बरदस्त संगठन है ये संगठन लेके हम लोग काम कर रहे हैं हर तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दें धन्यवाद तो जो प्रतिक्रिया सरकार रे महिला असुरक्षित महिला अच्छी प्रतिक्रिया नवापा क्या कहने चाहेंगे आपका पश्चिम बंगाल में महिला के सुरक्षा में बारे में नमस्ते मेरा नाम गीता सिकंदर है मैं खड़गपुर में ही रहती हूँ ठीक है उन्नीस नंबर वार्ड से हूँ महिलाओं का सुरक्षा नहीं है एक महिला सी एम हो के भी महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती है इस ये बहुत ही शर्मिंदगी का बात है जो आपने सुना ही है कलकत्ता में एक जोड़ा बगन बोल के जहां एक जगह है जहाँ एक चौदह साल की लड़की को मतलब उठा के ले जाते हैं लोग और उसको रेप करके मार देते हैं और सी जो है एक महिला होकर भी एक उस महिला का रक्षा नहीं दे सकती है और ऊपर से कहती हैं जो कि ये तो एक तो छोटा है, बात है बहुत ही छोटा सा बात है तो एक रेप चौदह साल का लड़की का रेप हुआ ये छोटा सा बात है हाँ ये मतलब सीएम का कहना है अच्छा ममता बनर्जी बोलती हैं कि ये बहुत ही छोटा सा बात है वो मतलब गरीब घर गर का लड़की है तो कोई उसका कोई सुनवाई नहीं है तो हम महिलाओं को ही मैंने आवाज़ उठाना होगा हम लोग जैसे कि एक संजीवनी संस्था से भाभी जुड़ी हुई हैं हम लोग भी जुड़े हुए हैं तो हम लोग को बहुत आगे तक एक जितनी भी नारियाँ हैं हम लोग से जुड़े हम लोग कुछ आगे करके अपने अपना सुरक्षा अपने हाथ में है अपने हाथ मैंने हम लोग को अपना सुरक्षा खुद को करना पड़ेगा और रही बात वो सी का तो सी हमारा बंगाल में 136 कार्यकर्ता लोग को मर्डर हो गया मैंने बीजेपी के मैं पार्टी को लेकर नहीं बोलूँगी लेकिन उनके कान में एक तो जू नहीं घुमा कि हाँ मैंने एक क्यों मारा गया सब गरीब लोग ठीक है मैंने एक एक उतना तो नहीं बोल सकते हैं एक एक ऐसे ऐसी मैंने बंगाल में कांड हो रहा कि अभी परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। बहुत जरूरी है परिवर्तन क्योंकि देखिए दस साल तो हम लोग देखे ना भी अभी दूसरा को चांस देख के देखिए कम से कम कुछ तो हो अच्छा जो भाई अब शुणुले जो जोड़ा बागान कथा चलित तो निर्वाचन हुए तो बहुत बड़ा भूमिका नहीं पार जो एक चौदह गरीब गरीब घर चौदह वर्षर ना बालिका जबरदस्त दुष्कर्म कर सब बड़ कथ जो एक जी थे सी या पारिना जो रही पीड़िता न्याय पाई और एकुश जी थे सी गिरा सत मात्र चार दिन परेल पाई आम सहित आउज महिला अच्छी प्रतिक्रिया क्या कहीं ना चाहेंगे महिला को बारे में क्या कहना चाहेंगे कितना सुरक्षित जो आज जन

ବେଙ୍ଗଲ ରହୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାରରେ ମା' ମାଟି ମାନୁଷର ନାରା ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ହୁଏତ ଟି ଏମ୍ସି କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ଜଡ଼ା ବାଗାନର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍